आईपीएल 2023 की ताजा तरीन खबरें। कोलकाता ने पंजाब को 5 विकेट से हराया। नीतीश ने जड़ा शानदार अर्धशतक तो रसल ने खेला तूफानी पारी। आखिरी गेंद पर हुआ जीत का फैसला। तो स्वागत है दोस्तों हमारी YouTube चैनल क्रिकेट मलाई पर। अब खबरें विस्तार से। आईपीएल 2023 के 53वें मैच में पंजाब का मुकाबला कोलकाता से हुआ। यह मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला गया। इस मैच में पंजाब किंग्स के कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 179 रन बनाए और कोलकाता के सामने 180 रनों का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 182 रन बनाए और मैच को पंजाब के हाथों से झपट लिया। पंजाब की तरफ से बल्लेबाजी में शिखर धवन ने 47 गेंद पर 57 रन ठोके। फारूक खान ने 8 गेंद में नवाद 21 रन बनाए। जितेश शर्मा ने 18 बॉल में 21 रन बनाए। वहीं गेंदबाजी में कोलकाता के लिए वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट चटकाए। हर्षित राणा ने 3 ओवर में 33 रन देकर 2 विकेट झटके। नीतीश राणा ने 1 ओवर में 7 रन देकर 1 विकेट गिराए। अब बात कर लेते हैं कोलकाता की बल्लेबाजी की। तो नीतीश राणा ने 38 गेंदों में शानदार 51 रन ठोके। एंड्रे रसल ने 23 बॉल में 42 रनों की धुआंधार पारी खेली। जेसन रॉय ने 24 गेंद में 38 रन बनाए। वहीं गेंदबाजी में पंजाब के लिए राहुल चहर ने 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट चटकाए। हरप्रीत बरार ने 1 ओवर में 4 रन देकर 1 विकेट झटके। नेथन एलिस ने 4 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट गिराए। तो कुछ इस तरह से रहा मैच का परिदृश्य। इस जीत के साथ ही कोलकाता के पास 11 मैच में 10 अंक हो गए हैं और यह टीम अंक तालिका में 5वें स्थान पर आ गई है। इस टूर्नामेंट में यह कोलकाता की 5वीं जीत और पंजाब की 6ठी हार थी। अब तक दोनों टीमें 11 मैच खेले हैं जिसमें दोनों के पास 10 अंक हैं। हालांकि बेहतर रन रेट के साथ कोलकाता 5वें और पंजाब 7वें स्थान पर है। इस मैच के बाद प्लेऑफ की रेस और रोचक हो गई है। अब 5 टीमें ऐसी हैं जिन्हें 6 मुकाबलों में हार मिली है। वहीं 6 टीमें ऐसी हैं जो 5 मैच जीत चुकी है। गुजरात और चेन्नई के लिए प्लेऑफ की राह थोड़ी आसान है, लेकिन बाकी 8 टीमों के बीच 2 स्थानों के लिए कांटों की टक्कर होने वाली है। ऐसे में आने वाले कुछ मैच सभी टीमों के लिए निर्णायक साबित होंगे। इसी के साथ IPL समाचार समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में IPL 2023 की नई ताजा तरीन खबरों के साथ।